Blue Gold अपनी कुल दशम में क्यों मारते हुए आ रहे हैं, रिंग का जायजा ले रहे हैं। Blue Gold एथलीट रिंग पे चले Blue Gold। काफी अच्छी एंट्री थी Blue Gold की। कुछ कहना चाह रहे हो शायद कैमरे में Blue Gold? मेक्सिको का सफर करते हुए आया PWA का Blue Gold। ये क्या म्यूजिक बज चुका है? The champion, the defending title champion, the longest heavyweight champion, the one and only RJ Freddy. ये RJ Freddy आते हैं। काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं RJ Freddy। और आपको मैं इनकी हिस्ट्री बता दूं, ट्रिपल टाइटल के पास में ROS हार्डकोर चैंपियन, मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, ये तीनों टाइटल एक ही टाइम के पास में और लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन PWF के लिए रह चुके हैं। और इनके पास एक और टाइटल था द पीपल्स चैंपियन, पब्लिक का प्यारा मेरे सही का, लेकिन ये अपने मोल में तो सही से खींच रहे। मैक्सिको से आ गए Blue Gold। मेरे ख्याल से यहाँ पर हाँ मैं आपको बता दूँ तो मिस्टर मैक्सिको ये मेरी तरफ से सुनना, आपके मुल्क से आया था पाकिस्तान में, जिनको किसी शख्स ने हराया था उसको शायद नाम लो राइडर, हाँ लो राइडर, लो राइडर उसको लो राइडर कहते थे, उनको ऐसा राइड किया इन्होंने कि बेचारे वो कभी राइड करने के काबिल नहीं, ये वो शख्स है। तो Blue Gold मेरा तो यही कहना है तुमसे, ये थोड़ा होशियार रहना, ये इसको हल्के में नहीं लेना, लोकल लैंग्वेज में तुम्हें समझाओगे मेरी बात तुमको समझ में आ रही हो, इसको हल्के में नहीं लेना, इसकी काफ़ी बात हिस्सा है। ये क्या रेफरी दोनों को अलग अलग करते हुए Blue Gold बेचारे कंफ्यूज है, हाँ इतनी बड़ी शख्सियत के साथ पहली दफा मैच हो रहा है तो बेचारे कंफ्यूज है। ब्रिंग द बेल, ये द बेल बज चुकी है, ये अब वॉर होगी वॉर। ये क्या Blue Gold हाथ बढ़ा दे गए आगे फेडी को, आगे फेडी ने भी हाथ मिला दिया, दोनों के दोनों काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, काफी टफ मैच होने वाला, ये टाइम बदल दिया इन लोगों ने, काफी कशमकश में लग रहे दोनों के दोनों, काफी कशमकश में लग रहे। Blue Gold को नीचे झुकाते हुए आगे फिर ये हेडलॉक में पकड़ लिया और Blue Gold बेचारे स्ट्रगल करते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, कितनी हाथों में बेचारे एक्शन। ओ Blue Gold वो हेडलॉक की तरफ, ये क्या Blue Gold, तुम्हें बस यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को ये जो बंदा आपके सामने दिख रहा है ना, ये दिखने में बेचारा सिंपल है लेकिन इसको सिंपल समझने की कोशिश, वो एक डायलॉग था मूवी का मुझे अभी याद आ रहा है, मैं सीखता हूँ बड़ा स्वामी टाइप का, लेकिन हूँ बड़ा फ्रेश टाइप का, बच्चों का शो इस वजह से नहीं कह सकता कि किस टाइप का। ये क्या आज मेरी के हैंड बदल दिए Blue Gold ने, ये क्या ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये कैसे चेंज हो गया ये Blue Gold, ओ ओ ये लाफ सो तो मजा आया बिल्कुल। मैच में तो माफी नहीं मिल सकती,
dacă nu vor match loc negativ de war, a fi later, mai că Blue Ball ne-a suplex mare.
तकलीफ में आ चुके हैं, और ये ब्लू बॉल उड़ चुके हैं, किसी मूव के लिए क्लोज लाइन, दूसरी क्लोज लाइन और ये किसी पावरफुल क्लोज लाइन के लिए जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ी, ये क्या सुप्लेक्स, काफी जर्मन सुप्लेक्स था, ये काफी प्यारा जर्मन सुप्लेक्स था, आगे फेरी को पड़ चुका है, आगे फेरी क्या ब्लू बॉल अपने दूसरी मूव के लिए जाते हुए लग गई, ये एक क्लोज लाइन, आज बेटी ने मार दी दूसरी क्लोज लाइन, किसी पावरफुल क्लोज लाइन के लिए जाते हुए, लेकिन ये क्या पावरफुल बस्टर का किया, आज बेटी अपने थॉट के लिए तैयार, बिल्कुल जोर का झटका, हाय जोरों से लगा, काफी अच्छा लगा, आज जो फेरी खत्म करने का इशारा कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है ये मुझे भी यही लगा ये आरके से कोई बचे विनर आरके फेरी, बस मुझे भी यही लगा था, अच्छा खेला ब्लू बॉल ने, अपनी हिम्मत शाम तक नहीं आ रही, लेकिन एक चैंप चैंप होता है, बस मेहनत करें ब्लू बॉल, ये क्या सचिन जिसके भी ब्लू बॉल अभी क्या रेफरी की चक्की उतारेगा, आज ये तेरी हौसला अफजाई करते हुए ब्लू बॉल की, कि भाई चक्की में भेजो तुम्हारा बस टाइम आएगा, इतना एक दिन गले से अपने लगा दो जैसे कि बेटा बेटा हो आगे बेटी का, ओ आज ये होता है क्या, ये होता है क्या, मेरे ख्याल में ये कुरियर करना पड़ेगा मैक्सिको में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अब अपने पैरों में जा पाएंगे, BCS करवा सकता हूँ मैं इनका, ब्लू बॉल आप एक काम कीजिए लोकल में कैंसर कीजिए, बॉक्स लाता हूँ उसमें आपको BCS करके कुरियर करवा देता हूँ मैक्सिको,